चैनल का अधीश। तो आज के हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है भाई, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, वी गॉट द ट्विन फ्लेम ओरेकल, वी गॉट द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो दो कार्ड आ गए, इनको लेते हैं ऐसे, ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। मैं एक्चुअली आज ट्रेडिशनल बेस से शफलिंग करने की सोच रहा था, बट ये अचानक से कार्ड आ गए, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ये और दो कार्ड आ गए, तो और हमें दो कार्ड की ज़रूरत होगी, ये पांचवा कार्ड। ओके छठा कार्ड आ गए हैं, छः के छः कार्ड आ चुके हैं। सो पहले हम देखते हैं, देखो ये है भाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फिर हमें मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमें मिला है ये द फूल, एंड फिर हमें मिला है ये टू ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमें मिला है ये एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनल हो गया द मून। ठीक है, तो सारे कार्ड मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, एंड लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, कई लोगों को राशियों के साथ आगे बढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को, जैसे मैं कहता हूँ कि ओवरऑल रीडिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर आपसे मैच होता है सो टेक इट। ठीक है, भी पेंटेकल्स है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया, फिर है यहाँ पे वॉन्ड्स तो एरीज लियो सैज, एंड वाटर साइन का सिर्फ एक ही साइन हमारे यहाँ पे है जो कि है मेजर अर्काना से पाइसिस। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कम्युनिकेशन हमें नहीं दिख रहा है कार्ड्स, यानी कि भाई यू नो सॉर्ड जेमिना लिब्रा एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड कैंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। अब देखो भाई, जहाँ पे हम ये इट्स कार्ड की रीडिंग करते हैं, व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम दिस कार्ड, है ना भाई। दोपहर के वक्त की अगर हम बात करें तो एक्चुअली पर्सन जो है वो आई थिंक शांत होने की स्थिति पे है। द फूल की जो हम एनर्जी देखते हैं, आई वॉन्ट टू बी ईजी गोइंग, ना मुझे हड़बड़ी करनी है, ना मुझे किसी के मामले में टांग अड़ानी है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। दैट्स वॉट वी सी फ्रॉम दिस पर्सन, कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, ना ही इसको किसी को यू नो इसे किसी को डिस्टर्ब करना है। एंड लाइक वाइज हम कह सकते हैं कि अगर आप भी इनको अगर कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है कि आप या तो सुबह बात करते हैं या फिर शाम को बात करते, तो ये यू नो बिना मतलब कि आपको कॉल नहीं करेगा, ना ही आपको परेशान करेगा। इसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके कलीग इनकी फैमिली अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कार्ड है जो कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हमें जो अंडरस्टैंडिंग दिखती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हर व्यक्ति को यू नो जैसे कि जो वो करता है वही उसे भरना भी पड़ता है ना। तो अगर आपके मन में भी कुछ है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मे बी इनसे लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, तो हर एक चीज़ के पीछे मेरे हिसाब से इनके दिमाग में एक वजह होती है। जैसे कि मे बी आप दोनों ने कुछ बातचीत की है, एंड आपने बहुत स्वीट बातचीत की, अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज आपने रोमांटिक बातें की थी। अगर आप दोनों के बीच थोड़ा सा एक यू नो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, ये गुस्सा है, तो वो क्यों है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण इनको गुस्सा आ गया। तो बेसिकली ये जो भी कर रहे हैं, अगर ये बात करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहते, इनके हिसाब से मैं जस्टिफाइड हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं बात कर रहा, या फिर मैं क्यों बार बार कॉल कर रहा हूँ, मैं क्यों बार बार मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ भी अपने आप को जस्टिफाई महसूस करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड हमें दिखता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है, क्योंकि जो भी इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है ये उनके साथ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड ने अगर पूछा कि क्या आज आप हमें मिल सकते हैं, तो हाँ कहेंगे। अगर फ्रेंड से पहले आपने कॉल किया और आपने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो आपसे हाँ कहेंगे। तो बस इनके साथ कोई बात करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं यू नो कि उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि वो हर एक के साथ उसके अनुसार पेश आते हैं। ओके, अब अगर मैं एक सीधी बात पे समझाऊं तो देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है तो ये बहुत ही कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट से बात करेंगे। अगर आपको मान लो थोड़ी सी सेक्सी बातें करनी है तो ये आपसे सेक्सी बातें करने लगेंगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई ये कॉन्जर्वेटिव ही बातें करते हैं। तो ये जैसा व्यक्ति यानी कि जैसा देश वैसा भेष, उस तरीके से आई थिंक बिहेव करने वाला व्यक्ति हमें दिखता है।
अब जो तीन कार्ड बचे हैं उसमें एक अलग डिफरेंट मीनिंग आता है, देखते हैं कितना आपके साथ रिजोनेट होता है। देखो भाई, टू ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे हमें जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन की अभिलाषा तो है लेकिन ये अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छाएं दूसरों के ऊपर थोपता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई व्हाट अबाउट दैट वन, क्या ये मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इस पर्सन की अगर हम बात करें तो ये हर व्यक्ति को अपना समय देता है, एंड ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति किसी को भूला है या फिर किसी को जानबूझ के कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पे है। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो तो ये पर्सन भी आपको सही ठहरा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो ये कह सकता है कि ठीक है भाई मैं गलत ही हूँ, लेकिन ये अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि इसको अपना एटीट्यूड, इसको अपना कॉन्फिडेंस, इसको अपना ईगो बहुत प्रिय है, ठीक है, एंड ये अपने ईगो को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होने देना चाहता। अब जो दो कार्ड बचे हैं वो हैं एट ऑफ वॉन्ट्स एंड द मून। भाई अगर हम इन दोनों की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग जो आती है कि एट ऑफ वॉन्ट्स में जो हमें चीज़ें दिखती हैं कि भाई मैं कम्युनिकेशन के लिए रेडी तब होता हूँ जब मुझे कम्युनिकेशन के लिए पूछा जाता है, यानी कि भाई बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो पूछिए, दरवाजे पे नॉक नॉक कीजिए, फ़ोन पे ट्रिंग ट्रिंग कीजिए, आपको डेफिनेटली कोई तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन बिना ये चीज़ किए हुए कैसे आप इनसे मिल सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। जैसे कि अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है तो पहले गाजर लाना होगा, तो वही वो पर्सन कह रहा है कि एटलीस्ट मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। जैसे हमने पहले मैंने कहा इस कार्ड के बारे में द फूल, कि ये पर्सन बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, ना ही किसी को डिस्टर्बेंस, आपको कॉल करना है आप खुद कॉल कीजिए, ये जवाब दे देगा। जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है द मून। तो यहाँ पे बहुत ही सबटल एनर्जी हमें दिख रही है, अभी जस्ट फुल मून होके गया, तो ये जो एनर्जी है चांद की वो कैसी है कि भाई चंद्रमा जो है वो बहुत ही शांत सुनहरा जो है अवसर इस पर्सन को दे रहा है कि मुझे शांत होना है। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है, ट्रैफिक लग गया, मुझे फ़ोन नहीं आया, काम में झिकझिक होने लगी, एंड फिर माइंड बहुत ही ख़राब होता है। ये उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल उल्टा है, ये व्यक्ति मेरे सबसे शांति से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पे भी उसको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ होने लगेगा वो वहाँ पे शांत बैठता है, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब देखते हैं भाई इस ट्विन फ्लेम ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स, वन एंड टू। चलो हमने बस दो ही कार्ड्स लिए हैं इस ओरैकल से, देखते हैं क्या है रीडिंग। भाई जो पहला कार्ड है वो है ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर, एंड जो सेकंड कार्ड भाई ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। अगर हमने ये दोनों कार्ड्स देखे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन या फिर आपका रिश्ता किसी एक ऐसे मोड में आ गया है जहाँ पे किसी को थोड़े से बदलने की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, तो डोंट वरी, बहुत ही जल्द आप इस फेज़ को भी पार कर पाएंगे। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, भाई इसके लिए आपको और ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी अगर आप इनसे कुछ उम्मीदें करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बदलाव करेंगे तो वो तो होते हुए हमें नहीं दिख रहा है, बिकॉज जवाब यहाँ पे हैं जो जैसा है उसके साथ वैसे ही पेश आएंगे, ठीक है। एंड अब देखते हैं भाई यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, जो कि हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरैकल। इसमें से हम चुनते हैं चार कार्ड, ओके भाई दो कार्ड तो आ गए, ये आ गया तीसरा कार्ड, एंड चुनते हैं एक और फाइनल कार्ड, चलो ये भी आ गया, सो ओके पांच कार्ड आ गए। भाई देखो, स्टक, प्रैक्टिकल थिंग्स, स्पेल कास्टिंग, टूर एंड थिंकिंग प्रोसेस, ये पांच कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनका जो मतलब निकलता है, आई थिंक जैसे कि ये पूरा टैरो कार्ड आ गया, ये पर्सन स्टक है, मतलब इसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकलना है। ये कह रहा है कि भाई मैं जहाँ पे हूँ, जैसा हूँ, मैं सेटल हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। प्रैक्टिकल थिंग्स की अगर हम बात करें सो डू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, कई बार हमें कुछ कपल दिखते हैं कि बहुत ही शांत होते हैं, अपनी ही मूड में होते हैं, और हमेशा वही भी है, आप चाहे 24/7 365 डेज आप कभी भी उनको मिलो, उनका चेहरा हमेशा एक ही बात बोलता है कि हाँ भाई वी आर हैप्पी टुगेदर। क्या ऐसा होता है?
जस्ट इमेजिन कैसा होता है, वो कहते कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, हालांकि वो आपके सामने अपनी इमोशंस नहीं रखना चाहते कि अभी मैंने झगड़ा किया, अभी हमने बातें की, ये मेरी बात नहीं मान रहे, आपको बताना चाहते कि भाई हम खुश हैं। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल थिंग्स दिखती हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकली बिहेव करता है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हालांकि जो स्पेल कास्टिंग वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, या तो मे बी आप में से किसी को स्पेल कास्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ऑलरेडी स्पेल कास्टिंग हुई है, और अगर इस पर्सन ने स्पेल कास्टिंग की है तो ये आपके ऊपर नहीं की है, ये इसके लिए कि इसको अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम स्पेल कास्टिंग को थोड़ा सा अलग करें और इसका अगर डिवाइन मीनिंग निकालें, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम चैंटिंग करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, ओके, या फिर घर में होम हवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो अगर यू नो ये आपसे अलग रह रहे हैं, मतलब यू आर नॉट मैरिड एट, या फिर ये इस पर्सन की फैमिली अलग है, तो ये पर्सन अगर कुछ यू नो चैंटिंग वगैरह कर रहा है तो इसको काफ़ी हीलिंग मिल रही है। इस वजह से अगर आपने इनकी रीडिंग देखी पूरी टैरो की, तो ये बहुत ही शांति में जी रहे हैं, ना कोई तकलीफ है, ना कोई गुस्सा है। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो है टूर एंड थिंकिंग प्रोसेस, मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। कई बार हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर कई बार पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव होते हैं। ऑब्वियसली कई बार ऐसी भी रीडिंग आ गई कि ये पर्सन बहुत ही ऑब्सेसिव बन चुका है, पॉजेसिव बन चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, हो या फिर ये मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि इस पर्सन को उस तरह से बिहेव करना है। तो अभी आपके ऊपर है, या तो आप इसको जैसा ये पर्सन है वैसा फिलहाल रहने दो, या फिर अपनी जो थिंकिंग है उसे बदल दो। ये था रीडिंग। I hope it'll resonate. See you next.